चित्रकूट पढ़कर मऊ क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय ओपरी ने आधार कार्ड बनाने के लिए गरीबों का शोषण 100 रुपए की जगह 300 मांग और लिया भी जा रहा है, जिसके आप बयान बाइट के रूप में देखा जा सकता है। वहां पर गए मीडिया कर्मी के साथ आधार कार्ड ऑपरेटर अपने आप को बीआरसी का कर्मचारी मऊ नागेंद्र सिंह बता रहा है, जो मीडिया कर्मियों से अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उनके साथ अमर्यादित शब्दों का उपयोग करते हुए गरीबों का शोषण करने में अपना है, जिसकी शैली से कार्यशैली शासन के मनसा में पानी पी रही है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अपेक्षा है कि उक्त बीआरसी कर्मचारी नागेश इनके खिलाफ जांच कार्रवाई किए जाने अपेक्षित है एवं जनता को शोषण से मुक्त करते हुए शासन आदेश के अनुसार आधार कार्ड बनाने का कार्य सुचारू रूप से चलाया जाए। वहां पर मौजूद बीआरसी के अधिकारी बता रहे हैं अपने आप को नागेंद्र सिंह ने क्या कहा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नागेंद्र सिंह के हौसले इतने बुलंद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ही लाजमी है। यदि कार्रवाई नहीं होती तो जरूर किसी न किसी की मेहरबानी होगी, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, इनका क्रस इतना गलत है, इनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, जो इनको सबक होगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं एक व्यक्ति जो कह रहा है 100 रुपए की जगह 300 की मांग कर रहे हैं। जब यह बात रिपोर्टर रोहिणी कुमार ने एसडीएम महोदय मऊ को बताया, उन्होंने एप्लीकेशन देने के लिए बोले। अब आप देख सकते हैं एसडीएम महोदय रिपोर्टर से एप्लीकेशन मांग रहे हैं, जबकि ऐसे बीआरसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए जो वहां पर मौजूद आधार कार्ड बनाने वालों से बदसलूकी करना अपने आप को अधिकारी बताता है। वहां पर मौजूद अन्य औरतों की बात आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सूत्रों को जानकारी मिली है कि जो बदतमीजी कर रहा है प्राथमिक विद्यालय मुटियार का अध्यापक है। अब देखना यह है बीएसए महोदय ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही करेंगे, जबकि सुदर्शन न्यूज द्वारा इसका स्कूल बंद पाया गया, उसमें भी कार्यवाही बीएसए द्वारा नहीं की गई। कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आता है। अब यह दूसरी घटना है, क्योंकि उस पर कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए उसके हौसले बुलंद है। ऐसे लापरवाह शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज टीम में शामिल डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विजय गुप्ता, ब्लॉक रिपोर्टर बद्री विशाल, मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार, मऊ रिपोर्टर दिनेश द्विवेदी, ओम प्रकाश, विपिन, जितेंद्र राज, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। हाँ, क्या है मामला? मामला ये 300 रुपए ले रहा है। क्यों ले रहे हैं? क्यों ले, आधार कार्ड ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो देता है उसको बनाते हैं। बड़ा आदमी बनाता है, छोटा आदमी नहीं, छोटा आदमी ऐसा बैठा है घामे में, क्या कर रहा, मर रहा है, उसका कोई सुनवाई है? बोलते नहीं है। हम तो कल से लाइन में लगे हैं सर। हाँ। अब आज कल से लाइन में लगे हैं, आज कह रहे हैं कि जाओ घर कल। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? अब ये तो ये लोग जाने, हम लोग तो अनपढ़ है, ज्यादा जानते भी नहीं, इसीलिए तो भाव खा रहे हैं। पैसा वैसा तो नहीं मांगते? पैसा तो अभी मेरा नंबर ही नहीं आया तो हमसे क्या लेंगे, जो देते होंगे उनका बना रहे हैं, हम लोग गरीब आदमी कहाँ पाएंगे पैसा देने के लिए। कागज करे फाड़ कर फेंक देते हैं, कौन फेंका फाड़ करिए तो बताए। फोटो नहीं सही है, कागज कहाँ फाड़ रहा है?
हमसे कहे ले रहे इतने लोग।